नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 10वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप कर उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने छात्रा से गैंगरेप करने के बाद उसे जहर दे दिया, जिसके बाद छात्रा ने तड़प तड़प कर अस्पताल में अपना दम तोड़ा। परिजनों ने 4 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज किया है। अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। मामला मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव का है। यहां 10वीं क्लास की छात्रा घर से ट्यूशन जाने के लिए निकली, लेकिन ट्यूशन तक छात्र नहीं पहुंच पाई। परिजनों का आरोप है कि रास्ते में ही गांव के 4 लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसे जहर देकर मार दिया गया। वहीं छात्रा बदहवास हालात में अपने घर पहुंची तो उसने परिजनों को अपनी आपबीती बताई। इसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां छात्रा की मौत हो गई। देर रात पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों ने गांव के ही एक नामजद और 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है और अब आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगा दी है, जो जगह जगह पर बंदिश अभी दे रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ एक भी आरोपी नहीं लगा है। पुलिस के आला अधिकारी अभी तक इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं।